हाल तक हरियाणा के झज्जर से सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट दिग्गज भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग थे, लेकिन इस रविवार से मनु भाकर ने लोकप्रियता के मामले में सहवाग को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली से 55 किलोमीटर उत्तर में स्थित झज्जर जिले की 22 वर्षीय निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल निशाना प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता और इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वह भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई। इस जीत ने न केवल पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में भारत का खाता खोला उन्होंने, बल्कि भारतीय खेलों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी दर्ज की है। भाकर की प्रसिद्धि से पहले झज्जर के पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग पर यह रिकॉर्ड था कि वह सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट थे, जो आधुनिक क्रिकेट के सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक हैं। मूल रूप से झज्जर के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहने वाले सहवाग ने अपनी आक्रामक बैटिंग शैली से टेस्ट क्रिकेट में क्रांति ला दी थी। इससे पहले भी मनु भाकर कई इंटरव्यू में खेलों के प्रति अपने प्यार का जिक्र कर चुकी है। वह बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग भी खेल चुकी है। शूटिंग से पहले मनु भाकर ने क्रिकेट की भी ट्रेनिंग ली है। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की झज्जर क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट के गुण सीखे थे, लेकिन जब स्कूल में शूटिंग रेंज बनी तो उन्होंने शूटिंग को चुना।